नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के शोडो में बात करेंगे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक बड़ी अपडेट आ रही है आपकी डिटेल रिजल्ट को लेकर। एडवर्टाइजमेंट 12/2015 कैटेगरी नंबर 9 का डिटेल रिजल्ट आयोग ने जारी किया फॉर द पोस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ गार्ड। ये 2015 की भर्ती है, जैसा मैंने आपको बताया कैटेगरी नंबर 9 है, इसका डिटेल रिजल्ट जारी कर दिया। फ्रेंड्स, रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट है, जो कैंडिडेट एबसेंट थे उनकी भी डिटेल है, प्रेजेंट थे उनकी भी डिटेल है। इसमें आपका रोल नंबर है, रिटर्न के मार्क्स हैं, स्क्रूटनी का स्टेटस है, PMT स्टेटस है, क्योंकि इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी था, इंटरव्यू का स्टेटस और ग्रैंड टोटल है। तो ये 006 तक एबसेंट है, उसके बाद 007 जो कैंडिडेट था ये रिटर्न में प्रेजेंट थे और उनके 82 मार्क्स थे, लेकिन आगे फर्दर के लिए इनको जो है एलिजिबल नहीं थे। तो एक दो कैंडिडेट जो एलिजिबल थे उनको देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स बता दूं, ये जो फाइल है ये 1323 पेजेस की फाइल है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। MD2 रीडर पब्लिकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये कैंडिडेट है 0033 रोल नंबर, 132 मार्क्स थे रिटर्न में, ये एबसेंट रह गए स्क्रूटनी स्टेटस के दौरान ही, तो इनको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जो है एलिजिबल नहीं किया गया। उसके बाद रिटर्न में 120 मार्क्स थे, 0040 एलिजिबल थे स्क्रूटनी के लिए, उसके बाद इन्होंने जो PMT है वो भी क्वालिफाई किया, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस इनका नहीं हो पाया, तो इनका फाइनल सिलेक्शन भी इसमें नहीं हो पाया। तो कोई ऐसा कैंडिडेट देख लेते हैं। देखिए, ये कैंडिडेट है, ये नॉट क्वालिफाई, ये PMT में क्वालिफाई नहीं हुए, इनके आगे मार्क्स भी नहीं दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एबसेंट इसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर फाइनल सेलेक्ट होता है तो उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, या फाइनल तक अगर कोई गया हुआ है उनकी कोई डिटेल दी हुई है वो देख लेते हैं एक बार, अगर कोई मिलता है तो। उसके बाद लास्ट में जाके देखेंगे कोई नोट डालकर, अगर HSSC ने इसमें कुछ लिखा है तो जिसके सामने एबसेंट है वो एबसेंट है, एलिजिबल है तो उसका एलिजिबल रहा, क्यू है तो क्वालिफाई है, NQ है तो नॉट क्वालिफाई है, और अगर किसी की रोल नंबर के सामने लिखा हुआ है, अगर किसी के रोल नंबर के सामने रिजेक्टेड लिखा हुआ तो उसका मतलब समझिए आपने MR सीट के साथ जो है कोई छेड़खानी वगैरह कि इस वजह से जो है रिजेक्टेड लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल रिजल्ट आया था जो आपको एक अपडेट देनी थी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।